हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह का एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में रहने वाली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये जानकारी भी आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बड़ी बदलाव के साथ देखने को मिलेगा। और एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में होने वाली है कि हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत जो बच्चे भर्ती होते थे उनके ऑफर लेटर आने शुरू हो गए। कौन कौन से जिले के अंदर ऑफर लेटर आने शुरू हो गए और जो नए बच्चे हैं, फ्रेश जो कैंडिडेट है, उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। आवेदन करने का मौका इसलिए दिया जा रहा है, जिस भी कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी उन्होंने डाला है, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले जो भी मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको इसी टाइप से पूरे हरियाणा में कोई भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से तहत भर्ती आएगी, सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगी। कोई भी हरियाणा में किसी प्रकार की डीसी रेट जॉब आएगी, सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगा। मेरा भाई और बहन, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जॉब्स की नीड है, अगर आपको जॉब चाहिए हरियाणा में, डीसी रेट जॉब चाहिए, डीसी रेट जॉब्स के लिए फॉर्म कहां से मिलते हैं, कहां जमा होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भर्ती के लिए फॉर्म कहां से, क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर इस टाइप की आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ में मेरे भाई और बहन, आपको कुछ भी पूछना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, दूसरी चीज आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कोई भी लिंक नहीं मिलता है, कोई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बेझिझक होकर टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता अपने छोटे भाई के पास आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में है। ओके गाइस, तो आज का हमारा बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, उससे पहले जो भी मेरे भाई और बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। इस चैनल पर आपको 24 घंटे न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे 24/7। मेरे भाई और बहन, ऐसे ऐसे अपडेट बता दूंगा, ऐसे ऐसे विभाग बता दूंगा, किसी यूट्यूबर ने आज तक आपको बताया नहीं होगा। डायरेक्ट आपको मेरिट बेस, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिल सकता है, पूरा हरियाणा, पूरी दिल्ली, पूरी चंडीगढ़ के अंदर कोई भी भर्ती आएगी, कोई भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर एक बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि मेरे भाई और बहन, जो फ्रेशर कैंडिडेट थे उनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा था, उनको लेकर एक लॉगिन का ऑप्शन आता था। आप सभी को पता होगा लॉगिन का ऑप्शन था, जहां पर हम फॉर्म अप्लाई करते थे उस लॉगिन को ऑप्शन को अब हटाने लग गए। हटाने का मतलब है कि 7 से 10 दिन तक वो लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा आपकी आईडी से। अगर मेरे भाई और बहन, किसी ने भी अभी तक फ्रेशर कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो बाद में आपका फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना होना पड़ेगा। और जो ऑफर लेटर आ रहे हैं वो कहां कहां के आ रहे हैं, एक बार आपको मैं डिटेल से बताता हूं, पूरी वीडियो देखते रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये ऑफर लेटर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड प्लीज द ऑफर ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट अगेंस्ट जॉब रोल के ऊपर लगे हुए हैं मेडिकल एजुकेशन के रिसर्च के अंदर करनाल के अंदर, जो करनाल में भर्ती हुए थे पिछले अभी 26/10/2022 से, जिनको 31/3/2023 तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था, उनकी पेमेंट आने लगी है, उनका ऑफर लेटर आने लगा द मंथली पेमेंट सैलरी। इसमें देखना आप सभी, जब मंथली पेमेंट सैलरी जो 17,152 इंक्लूडिंग जो ईएपीएफ होता है, सारे एप्लीकेबल होने के बाद इनकी 17,152 रुपए इसमें खाते में डल चुके हैं, जिसको 26/10/2022 से लेकर 31/3/2023 तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती मिली पर लगे हुए थे मेडिकल एजुकेशन से, तो उनको यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर ऑफर लेटर आने लगे उन सभी के पास में। 17,152 रुपए भी उनको मिल चुके हैं अभी तक, जिसमें ऑफर लेटर का इन्होंने साफ साफ बता दिया है आप सभी के सामने ऑफर यू। तो मेरे भाई और बहन, जिसको भी हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत छोटी बड़ी भर्ती पर लगना है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो बिल्कुल आसानी से लग सकता है, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत छोटी बड़ी भर्ती आएंगी सारी यहां पर देखने को मिलेंगे। फॉर्म भरने से लेकर आखिरी तक ज्वाइनिंग तक जो भी छोटे बड़े अपडेट आएंगे सारे बताए जाते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है, पेपर नहीं होता है, फिर भी मेरे भाई और बहन आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं,
अगर किसी ने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। करनाल के साथ साथ सारे जिलों के अंदर ऑफर लेटर, जिनके भी ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके थे उनके ऑफर लेटर अभी सभी के पास जारी किए जा रहे हैं, सभी को ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई और बहन, किसी ने अभी तक कौशल रोजगार निगम में अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर ऑफर लेटर, बहुत ही जल्द बड़ी बड़ी भर्ती आने वाली है, जैसे कि कंडक्टर की भर्ती आएगी, उससे पहले सारे अपने रजिस्ट्रेशन कर लो। जिसको भी कंडक्टर की भर्ती में लगना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम आपकी जो वेबसाइट है वो भी आपकी बिजी होगी। बाद में आपको पता है कि वेबसाइट बिजी होने के बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जिसने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द कीजिए। और किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी पूछना हो वीडियो में, कुछ भी डाउट बचा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पर हमारे और स्टूडेंट भी ऐड, वहाँ पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो 24 घंटे वहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार की हर अपडेट देखने को मिलेंगे, सीईटी की जानकारी मिलेगी, डीसी रेट जॉब्स की सारे अपडेट्स वहां पर रेगुलर देखने को मिलेंगे। फिर भी कोई भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये एक छोटा सा अपडेट था, अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।